नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल, एक होम्योपैथी फिजिशियन। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब बच्चों के दांत निकलते हैं उससे रिलेटेड जो समस्या आती है उसके बारे में। तो दोस्तों, जब बच्चों के दांत निकलना चालू होते हैं, 6 से 7 महीने के जब वो होते हैं, उस टाइम पर उनके दांत निकलना शुरू होते हैं या उसकी प्रोसीजर चालू होती है। तो जब बच्चों के दांत निकलते हैं उस टाइम पर जब उनकी जो गम्स है उसमें काफ़ी हार्डनेस होने लगती है, उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ चबाते रहें पूरा टाइम या फिर कुछ चीविंग करते रहे उस, तो वो जो प्रोसीजर है बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होती है उसको मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों, उस टाइम पर बच्चों को जो समस्या होती है या जो कंप्लेंट्स उनकी होती है उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जब बच्चों के दांत निकलते हैं ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड, जब बच्चों की जो मोस्ट कंप्लेंट्स रहती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, खाना ठीक से नहीं खा पाता है, चिड़चिड़ाहट उसको बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, कभी वो एक जगह पर बैठ ही नहीं पाता है, इधर से उधर मूवमेंट्स करता रहता है, कई बार उसको फीवर बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक्चुअली इन सब कंप्लेंट्स के पीछे एक बेसिक रीज़न ये होता है कि जब बच्चों के दांत आने वाले रहते हैं उस टाइम पर बच्चे क्या रहते हैं, अपने दांत में उनको लगता है कि हम अपने मुंह में कुछ हार्ड चीज़ दबा के रखे। तो कुछ कई बार क्या होता है, पेरेंट्स उसको टीथर का यूज़ करने के लिए दे देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, टीथर पूरे टाइम रखा हुआ रहता है। लेकिन कितनी बार होता है कि जब बच्चा टीथर को यूज़ करने के बाद वहीं उसको फेंक देता है या रख देता है और बाद में बच्चा वापस उसी टीथर को उठा के अगर पेरेंट्स का ध्यान नहीं रहा तो अपने मुँह में चले जाता है, या फिर अगर और कुछ चीज़ उसको हार्ड चीज़ें अगर उसको मिलती है तो वो अपने मुँह में उसको रख के उसको दबाने की या प्रेस करने की कोशिश करता है पूरा टाइम। तो इस वजह से क्या होता है कि उसको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे को ये सारी कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन की बात करेंगे कि इसमें होम्योपैथी मेडिसिन बच्चों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है जब उनके दांत निकलने वाले रहते हैं, तो कुछ मेडिसिन के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में बात करेंगे। जैसे कुछ कॉमन मेडिसिन है जो बच्चों को हम दे सकते हैं ड्यूरिंग डेंटिशन, जैसे हो गई है कैल्केरिया फॉस हो गई है, बैलाडोना है, एथ्यूजा है और बोरेक्स है, तो काफ़ी सारे मेडिसिन है जिसको हम उस टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर वन बाय वन एक एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसको हम बच्चों को उस टाइम पर उसके सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मेडिसिन कैमोमिला की। कैमोमिला एक सबसे बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है जब बच्चों के दांत निकलने वाले शुरू होते हैं उस टाइम पर। तो जैसे ही बच्चों के दांत जब निकलने वाले रहते हैं तो कुछ सिम्टम्स उसमें पहले से ही बच्चों की बॉडी में दिखने लग जाते हैं, तो हम उसको थोड़ा टाइम पहले अगर बच्चों को प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो काफ़ी सारे सिम्टम्स से बच्चों को रिलीफ मिलेगा। अब कैमोमिला हम कब देंगे या किस कंडीशन में देंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगी। जब हम कैमोमिला देते हैं तो बच्चों में मोस्टली कंप्लेंट्स उस टाइम पर होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा उसमें चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो उस टाइम पर कैमोमिला जो है बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है बच्चों के ऊपर। तो हम सबसे पहले जो मेडिसिन है कैमोमिला उसको देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एथ्यूजा की, एथ्यूजा का बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसमें सबसे पहले इसका जो एक बेसिक सिम्टम वो है जो है मिल्क इंटॉलरेंस। कई बार बच्चे क्या होते हैं दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो जब वो मतलब बच्चे तो वो मोस्टली दूध पीते हैं, तो जब वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते या मिल्क इंटॉलरेंस होता है तो उस टाइम पर एथ्यूजा काफ़ी अच्छा वर्क करती है। उसके साथ में जब बच्चे को जब लूज मोशन भी होना चालू होता है और कई बार बहुत ज़्यादा उसके मुंह से सलाइवा भी निकलने लगता है, तो ये जो कुछ कॉमन सिम्टम्स है, कुछ कॉमन कंप्लेंट्स है जब हम बच्चे को एथ्यूजा के सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग एथ्यूजा उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन जो है दोस्तों मैं आपको बताऊंगी, एक है बैलाडोना। बैलाडोना बहुत अच्छा इफेक्ट करती है जब बच्चों के दांत आने वाले रहते हैं उस टाइम पर, क्योंकि एक जो मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है फीवर का, जब बच्चे को फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाता है और फीवर होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और लूज मोशन, रेस्टलेसनेस, ये सब। और फीवर के साथ में एक और मेन चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, जब बच्चों की बॉडी पे या उसके फेस पे आप देखेंगे कि रेडनेस दिखने लगती है, तो जब ये रेडनेस लगने लगेगी और बच्चों को फीवर रहेगा तो उस टाइम पर बैलाडोना काफ़ी अच्छा वर्क करती है, उस टाइम पर हम बच्चों को बैलाडोना प्रिस्क्राइब करेंगे। एक है कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फॉस्फोरिकम। जब हम ये मेडिसिन बच्चों को कब प्रिस्क्राइब करते हैं, जब बच्चे को दांत निकलने वाले रहते हैं उस टाइम पर क्या होता है, कुछ बच्चों के दांत जो है थोड़ा सा लेट निकलते हैं, तो जब बच्चों के दांत थोड़ा लेट निकलते हैं और बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होती है कि दांत निकलने में उसके गम्स में काफ़ी हार्डनेस हो जाती है, ना वो बच्चा खाना खा पाता है और मतलब पूरा टाइम थोड़ा सा सुस्त भी रहता है,
कुछ नहीं कर पाता है, तो इस टाइम पर हम बच्चे को कैल्केरिया फॉस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन मेडिसिन थी जब हम बच्चे को ये जब उसके दांत निकलते हैं निकलने वाले रहते हैं या ड्यूरिंग डेंटिशन हम ये बच्चों को ये वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उनकी सिम्टम सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन अगर लेते हैं तो किसी भी होम्योपैथी फिजिशियन से कंसल्ट करके ज़रूर लें होम्योपैथी मेडिसिन को, और उसके बाद में अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कमेंट्स करनी है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।